नमस्कार दोस्तों, जय निष्ठुल्लो क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक सीरीज के पांचवें अध्याय में आज आपको बताने वाला हूं कि हिंदी में जो स्थानों में जो मात्राएं लगाई जाती हैं वो किस प्रकार लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखे हैं स्वर। हिंदी में पूरे स्वर हैं वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। संकेत लिपि में कुछ एक स्वर ऐसे हैं जो कि मूलतः चार स्वर है संकेत लिपि में, ठीक है। संकेत लिपि में मूल रूप से चार ही होते हैं दोस्तों स्वर, ठीक है। एक तो ए, एक आ, ठीक है, ई और औ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले ए, फिर ई, फिर उ और ये ऋषि, ठीक है। ए को लिखने का संकेत हमारा ये है, ए, ई, उ और ये ऋषि को भी ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इधर देखिए, ए, आ, ई, बड़ी, उ, छोटा उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। अब इसी को हम अगर ये बताएं, ये हमारे हो गए स्वर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी स्टेनों के अंदर मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जो मात्राएं हैं हमारी वो किस प्रकार से है वो देखिए मात्राएं, ठीक है। सबसे पहले ए, फिर आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ठीक है दोस्तों, आई, ओ, औ, अं और अह। दोस्तों इन्हीं पर अब हम मात्राएं लगाएंगे, वो किस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी में जब आप लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। कुछ मात्राओं को मैं इनके साइन ऊपर लिख देता हूं और उसके बाद में हिंदी में किस प्रकार लिख देते हैं। ए में आ की मात्रा जोड़ते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ए लिखा, ए के शब्द के ऊपर हम मात्राएं जोड़ रहे हैं, ठीक है, शब्द के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ए, आ, फिर लिखेंगे हम ई, तो ये ई इस प्रकार से लिखते हैं। जो मात्राएं लगाएंगे हम वो लगाएंगे शब्द के ऊपर, ठीक है दोस्तों, शब्द के ऊपर जितनी मात्राएं लगेंगी वो हमारे लगेंगी शब्द के ऊपर। वो भी मैं बता दूंगा किस प्रकार लगेंगी। उ, 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 ठीक है। ए, ए को लिखने का इंडिकेट हमारा ये है ए, ठीक है, और इसका साइन होगा शब्द चिन्ह इस प्रकार से, आई, ओ, औ, अंग और अह। अब इसको मैं आपको जैसे कि देखिए हिंदी की जो मात्राएं लगाते हैं वो इस प्रकार से लगाते हैं, ए, इसके बाद में ये ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा उ, फिर बड़ा उ, ठीक है दोस्तों, फिर ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। ये कुछ इस प्रकार से हैं हमारी मात्राएं, गौर से देखिए। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहां समझा दूंगा। इन्हीं मात्राओं को, इन्हीं को मैं आपको 12 खड़ी पे अप्लाई करके बताने वाला हूँ। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है,
क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, इसको सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन एक बार अगर आप इसको सीख गए तो आप सालों तक कभी नहीं भूल पाओगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसी को ही मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ क्या खैर गए के ऊपर, कह के ऊपर जैसे कि हम जिसे हम बारह खड़ी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए कै का, ये मेरा कै और इसके ऊपर शब्द के ऊपर आ की मात्रा का, फिर मैंने बनाया की। ठीक है, कै लिखा इसके ऊपर ई की मात्रा, फिर बड़ी की कै लिखा ये की मात्रा उल्टी हो गई। ठीक है दोस्तों, कु जिस प्रकार से हमारा उल्टा ऊ जा रहा है वैसे इसी प्रकार से हमारा ऊ जाएगा स्टनों में। ठीक है, बड़ा ऊ देखिए सेम ये की एक चीज आ रही है, अब मैंने अप्लाई कर दिया कै और खै के ऊपर। ठीक है, पूरी बारह घड़ी में इसी प्रकार से आएंगे, जितना आपको प्रैक्टिस करनी है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप फायदे में रहोगे कि गै बनाओ उसके ऊपर एक की मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देखिए कई कै लिखा आई की मात्रा, को कै लिखा ओके मात्रा, कौ कै लिखा औ की मात्रा, कंग कै के ऊपर डॉट और कह कै के तल को। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा ये देखिए इसी प्रकार से हम आगे कह कह गह गह पूरी बारह खड़ी में हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, प्ले स्टोर से दोस्तों हमने एक वो और कर रखी है, प्ले स्टोर से आप जैन लिपि जैन सांकेत लिपि एक बुक आती है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी है तो आप लिखिए जैन प्ले स्टोर पे जाएं, अपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएं और जैन सांकेत लिपि लिख दें तो वहां से आपको मेरी किताब मिल जाएगी, क्योंकि हमारी गुरु जी की किताब है वो, तो वो किताब आप डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्म में है वो, आप डाउनलोड करें वहां से सीखें वहां से समझें, और नहीं समझ में आता है तो मैं आपके पास में हूँ, कमेंट करके आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।